हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बॉर्डर लेके आई हूँ और ये बॉर्डर डालने का तरीका कुछ अलग है, बुनने का तरीका अलग है, ये फंदे भी डालने का कुछ तरीका अलग है। मैं आपको दूसरे पे अभी दिखाती हूँ। दूसरे पे मैं थोड़ा बॉर्डर फंदे डालने का तरीका मैं दूसरे पे बताती हूँ। ये देखो, ये बॉर्डर चाहे आप तीन में कर लें, चाहे दो में, चाहे चार में, पर मैं हमेशा इसको तीन तीन, ये धागे हैं ना जो, तीन में ही डालती है। लोग चार भी कर लेते हैं, तीन भी कर, पर मैं हमेशा इसको तीन में ही ऐसे पहला फंदा जैसे डालते हैं ऐसे डाला जाता है, और दूसरा जो फंदा हमने दूसरी बार जो फंदा डाले जोड़े में ये डलते हैं और नीचे गांठ गांठ आती है, ये फंदा ऐसे करके ऐसे डलेगा, ये ऐसे ऐसे डलेगा, ये ऐसे करके। पहले फंदा जैसे डाला जाता है ऐसे, और दूसरा फंदा उंगली को घुमाया, फिर हमने ऊपर से ऐसे डाला। ये जोड़ों जोड़ों में बॉर्डर बनता है, या ज़्यादा ना तो इनको टाइट करना है ना इनको ढीला रखना है, एक जैसा बॉर्डर को ये डालें तो सुंदर और साफ सफाई से। और देखिए, मैंने उसको भी पकड़ा और ये उंगली को, ऊन को मैंने ऊन के आगे से इस उंगली को ऐसे घुमाऊंगी कि ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे डालना है, आराम से इसको खींचना है। अब ये ध्यान रहे कि ये जो तीन है धागे तीनों एक साथ एक बराबर ही हो, ये ना एक आगे एक पीछे। आराम से ऐसे सीधा फंदा ऐसे डाला, दूसरा फंदा, फिर उंगली को हमने धागे को ऐसे पकड़ा और उंगली को आगे से लेके और पीछे से ऐसे ऐसे घुमाया ये। फिर पहला फंदा जैसे हम डालते हैं वैसे डाला जाता है, दूसरा फंदे को, फिर आप दूसरे फंदे को ध्यान दें, उंगली धागा आगे रहेगा पीछे और उंगली आगे को घुमा के ऐसे ऐसे डालेंगे हम, ऐसे ऐसे करके डालते रहेंगे। और फिर जैसे फंदा पहला डाला डाला, दूसरा फंदा फिर ऐसे डाला, इस उंगली को ध्यान से ऐसे करके ऐसे, फिर उंगली को ऐसे घुमाया और ऐसे डाला, ऐसे करके ऐसे डाला है। और फिर हमने फिर उंगली को ऐसे, जैसे पहला फंदा जैसे डलेगा ऐसे ही डलेगा, दूसरे फंदा फिर देखो ध्यान से, ये हाथ से ऐसे पकड़ा और धागे से उंगली को आगे से ऐसे करके ऐसे घुमाया, फिर ऐसे करके इसको ऐसे डाला, ये ऐसे डाल देंगे। ये तो हो गया फंदे डालने का, गांठ वाले, इसलिए नीचे गांठ आ जाती है ये वाले, ये फंदे। अब मैं थोड़ा इसको बुनने के लिए थोड़ा मैं आगे बताती हूँ, दूसरे पे थोड़ा मैं और इसको आगे बताए आगे। ये है, ये बॉर्डर है, मैंने थोड़ा बुन रखा है और मैं आपको दो तीन सिलाइयाँ निकाल के बताती हूँ कि कैसे बुना जाता है। ये देखिए, उल्टा फंदा हम जैसे आगे ये डालेंगे, ये देखिए ऐसे डाला, और ऐसे ना डाल के हम इसको हम ऊपर नीचे से सिलाई के नीचे से ऐसे डालेंगे, ऐसे करके, फिर धागा बैग पीछे गया, फिर जैसे ऐसे ना डाल के इसमें नहीं डालेंगे हम आगे, इसमें डालेंगे आगे वाले, फिर सिलाई के इसको हम ऊपर से ऐसे ना डाल के हम ऐसे डालेंगे, और फिर धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा ऐसे करके ऐसे डालेंगे, फिर इसको हम ऐसे बुनेंगे, सीधा फंदा, फिर पीछे गया धागा, फिर ऐसे बुना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बुनेंगे इसको। ये उल्टा ऐसे बुना, सीधा, फिर ध्यान से ऐसे बुना, बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर से ना करके हम इसको ऐसे बुनेंगे, और उल्टा फंदा हम ऊपर से ना करके हम इस उल्टे फंदे को ध्यान से देके ऐसे नीचे से ऊपर को ऐसे बुनना है, ऐसे ये,
ऐसे बनते रहेंगे। ये खाली मैं आज एक बॉर्डर की वीडियो लेके आई हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बॉर्डर की वीडियो बहुत पसंद आएगी। और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए ध्यान से देखिए ये वाली वीडियो को, तो ये फंदा डाला है ऐसा, देखो कितना सुंदर दिखता है। एक जैसा, एक जैसी फलियां आती हैं ना, बड़ी ना छोटे, ना मोटा ना पतला, कहीं से भी कुछ नहीं है। देखिए कितना सुंदर, कितनी अच्छी अच्छी ये एक जैसी आती है। ये देखिए आप, देखो इसको ध्यान से देखें कितना सुंदर। और ये देख कैसे लग, ये जैसे क्रोशिया से हमने कोई बीडिंग कर रखी हो, ये इसकी सुंदरता है। ये इसका ग्रेस इसी से आता है ये। और ये सीधा सीधी तरफ ये है, ये देखिए इसको सीधा से ये। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।